नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। बड़े नेताओं की एक छोटी बात बताता हूं, जितने भी बड़े नेता होते हैं इन सब की चाहत होती है, इच्छा होती है जब तक जिंदा है वही बड़े नेता रहे। और ये बड़े नेता जो होते हैं अपने आसपास किसी नेता को तैयार नहीं होने देना चाहते, खास तौर से ये किसी देश की बात नहीं, पूरे विश्व की बात है कि अपनी जाति का कोई नेता तैयार नहीं हो, चाहे वो वार्ड पंच है, सरपंच है, पार्षद है, विधायक है, कोई भी नेता तैयार नहीं हो, यहाँ तक कि छात्र राजनीतिक में भी कोई तैयार होकर आगे नहीं आ जाए। इसके अलावा अगर अन्य जाति के व्यक्ति भी, कोई नेता अगर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उससे सभी डरते हैं, उसको दूर रखते हैं। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, सभी नेता ये देखते हैं कि उनके आसपास कौन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर कोई तारीफ करे कि यार इसको आगे लाइए, ये होशियार है, बहुत समझदार है, बड़ा तेजी से काम कर रहा है, वो उसी वक्त नजर में डाल लेते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इसके लिए वो एक टीम बनाते हैं, जिसको टीम नहीं गैंग कह सकते हैं, वो गैंग मिलकर उसको दबाए रखती है। सभी जगह की ये समस्या है, किसी भी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे, सभी जगह ऐसा ही होता है। और इसमें दो टीमें होती है, जो बड़ा नेता होता है उसके सामने भी कोई एकाध बड़ा नेता और होता है, तो जो पीड़ित होते हैं वो उसके पास चले जाते हैं, और जो पक्ष में होते हैं उनको समर्थक कम कहते हैं, लोग चमचे ज्यादा कहते हैं, वो एक तरफ एक गैंग बनाते हैं और आगे बढ़ने वाले तमाम नेताओं को पीस कर रख देते हैं, उनकी राजनीतिक हत्या करते हैं, उनको हमेशा दबाते हैं। और बड़े नेताओं की एक समस्या और है, वो कान के बड़े कच्चे होते हैं, उनको जो भी आकर कान में फूंक मार दे बस उनको लगता है ये सही बात है। आमतौर पर चमचे क्या करते हैं कि कोई दूसरा उनके पास नहीं आ जाए, इसके लिए उनको भड़काते रहते हैं कि फला आपके लिए ऐसा कह रहा था, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता, उसको साथ रखा तो खतरा पैदा करेगा। ऐसे में वो एक आके नहीं कहता, वो थोड़े थोड़े दिनों में किसी न किसी और को भी भेजते रहते हैं, कई बार दो चार लोगों को साथ ले जाते हैं गवाही के तौर पर और उनसे हाँ करवाते हैं, वो ऐसा कह रहा था ना, ऐसा हुआ था ना, और वो कहते हाँ नेताजी ये तो ऐसी बात तो सही है। बस नेताजी लग जाते हैं उसको तबाह करने में, पीसने में। वो अपनी तरक्की के साथ साथ पूरे समय ध्यान रखते हैं कि कौन नेता आगे बढ़ रहा है, किसको पीछे ले जाना है। ये काम बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। अभी पिछले दिनों मैंने सुना कि एक पार्षद, एक महिला है जो कुछ छुटभैया नेता है, जिनको देशी भाषा में चटपूंजिए, इकट्ठे हुए हैं और उस पार्षद के खिलाफ उस महिला को आगे बढ़ाते हैं। वो महिला घर घर जाकर कह रही है कि मैं आपके यहाँ सड़क बनवा रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, इस बार मुझे वोट देना। अरे तू कहीं है ही नहीं भाई, पार्टी में आए हुए 15 दिन हुए हैं और पार्टी में लाने वाली महिला या पार्टी में लाने वाले नेता के खिलाफ ही सबसे पहले वो दौड़ रही है। ये कहीं एक की बात नहीं, अक्सर देखिए आप, कोई नेता होता है उसके समर्थक होते हैं तो वो उनको बड़े नेताओं से मिला होता, भाई साहब ये अपना खास आदमी है, ये मेरे साथ काम करता है, ये आपका भी प्रशंसक है, अपने अक्सर काम करता रहता है, कोई काम हो तो बताइएगा। धीरे धीरे वो बड़े नेता के पास सरकने लगते हैं और एक दिन जो लेके जाते हैं उस्ताद जी, गुरुदेव, उन गुरुदेव को निपटा देते हैं। ऐसे गुरुदेव बाद में जाके रोते हैं कि यार ये मैं किसको आके लेके गया। लेकिन समस्या ये है कि किसी को नहीं ले जाए ऐसा भी नहीं होता, कोई ना कोई समर्थक साथ होता है, वो कहता भी है भाई साहब आज बड़े भाई साहब से मिलो, आज उस्ताद से मिलो, नेताजी से मिलवाओ, और आखिर उसको मिलवाना पड़ता। बस मिलवाते ही समझ लीजिए उसकी कटिंग शुरू हो जाती है। ये बड़े नेता और छोटे नेताओं का खेल बरसों से चला आ रहा है और बरसों तक चला रहेगा। ये राजे महाराजा के जमाने में भी होता था कि राजा महाराजा के यहाँ जो चाटुकार होते थे वो भी नीचे वालों को निपटाते रहते थे कि कोई मुझ तक नहीं पहुंच जाए। साथ ही हमें इन दिनों कुछ लोगों ने सलाह दी कि एक फिल्म बनाई जाए, मैंने कहा था कोई सब्जेक्ट हो, कोई विषय हो तो बताइएगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि सहकारी बाजार पर फिल्म बनाई जा सकती है। सहकार बाजार पूरे विश्व में है, जहाँ जहाँ वो उनके अलग नाम होंगे, काम का तरीका अलग होगा, लेकिन सहकार का मतलब साथ मिलकर काम करना, सस्ती सुलभ चीज़ें उपलब्ध करवाना। तो वहाँ अक्सर ऐसी जगह में समूह जब शुरू होता है तो उनके उद्देश्य बड़े प्यारे और अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर चोरों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक चोरों का जमावड़ा एक सहकार भवन में है, जहां एक चपरासी को अधिकारी बना रखा है और साथ में जो बड़े अधिकारी वो सब चोर हैं, सारे चोटे यानी चोर मिलकर उस संस्थान को लूट रहे हैं, सरकारी संस्थान है। आम लोगों को 100 रुपए में जो चीज मिलनी चाहिए वो 120 रुपए में देते हैं और बाजार में 110 रुपए में मिलती है, सहकार के नाम पर 120 रुपए में। इस तरह उस चपरासी को करोड़ों रुपए की खरीद का काम दे रखा है, जबकि वो चपरासी है, उस पोस्ट के लायक नहीं है, लेकिन एक शानदार कांच का केबिन, एक एसी और 10-20 चमचे, बेचारे जो लोग नौकर हैं उनको उसके साथ लगा रखा है, उनको जी हजूरी करनी पड़ती है, जबकि वो इक्वल पोस्ट के सारे 10-20 चपरासी हैं, लेकिन उसको साहब कहना पड़ता है और बड़े वाले साहब भी उसको सम्मान से कुर्सी पर बिठाते हैं, चाय कॉफी पिलाते हैं, उसकी बात सुनते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो चपरासी उनको लाखों रुपये कमा कर दे रहा है। अच्छा विषय है,
बात होनी भी चाहिए इस पर, तो हम सोच रहे हैं कि अगली फिल्म के बारे में इस पर अभी हम अपनी टीम से डिस्कस करेंगे, क्या स्थिति रहती है, क्या इस पर फिल्म बननी चाहिए, क्या लोग इसको रुचि के साथ देखेंगे, वरना बेवजह हम अपना पैसा खर्च करें और अगर रुचिपूर्वक लोग नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हालांकि लोगों ने कहा बड़ी रुचि रहेगी। कई लोग क्या करते हैं कि फिल्म भले वो भोपाल की हो, भले यूपी एमपी के लिए बन रही हो, चाहे कहीं और देश के किसी भी कोने के लिए, लेकिन वो कनेक्शन, उसकी कनेक्टिविटी अपने आसपास के लोगों से करते हैं। जैसे पिछली बार हमने बनाई थी विश्व के किसी भी देश में एक महापौर हो सकती है, तो लोग उसको जोड़ने लग गए, ये फला जैसा दिखता है, ये उसका जैसा दिखता है। तो इस वक्त भी ऐसा हो सकता है कि हम जब फिल्म बनाए तो उसमें भी लोग उस चपरासी की शक्ल मिलाएंगे, तो कुछ चपरासी के लक्षण मिलाएंगे, कहेंगे यार हाँ एक चोर हमारे उस शहर में है, कोई कहेगा हमारे उस गांव में भी ऐसा एक चोर है। खैर देखते हैं क्या होता है। तो बड़े नेताओं की छोटी हरकत, आप अपने आसपास नजर मारिएगा, ऐसे ढेर सारे नेता हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको दबाया जा रहा है, पीसा जा रहा है, निपटाया जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि पार्टी पिस जाती है और शहर का विकास का भी सत्यानाश रहता है, पार्टी की छवि भी खराब होती है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों में ये समस्या हमेशा रहेगी। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। वो लिस्ट नहीं आई, वो भी एक बड़ी समस्या है, ना हमारे पास ढंग की खबर आ रही है, ना आपके पास वो बम फूट रहा है। कम से कम ये जितने नेता जो टिकट मांग रहे हैं उनकी बीपी तो कंट्रोल में है कि किसको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कुछ तो कंफर्म करो यार, मैं अपनी तैयारी शुरू करूं या नहीं करूं। कुछ लोगों ने तैयारी शुरू कर दी तो डरे हुए हैं कि आज तैयारी करता हूं, कल अगर टिकट नहीं मिला तो कितनी बेइज्जती होगी। खैर थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई साहब, बस सभी के टिकट क्लियर होने वाले हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा और उसके बाद खबरों का भी आनंद आएगा, लोगों को जय हो जिंदाबाद, चमचागिरी का मौका मिलेगा, माला पहनाने का मौका, कुछ बिना मन साथ में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये नेताजी निपट जाए तो अच्छा है। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।